आपको दिखता रहेगा ये स्क्रैच नहीं आया और एक्चुअली ये गम लगा हुआ है रैप का, और आपके गाड़ी पे डेंट नहीं आया और कलर भी खराब है। होने के लिए रिपेंट का काम करने के लिए आपको मिनिमम 3 दिन गाड़ी या 4 दिन गाड़ी वर्कशॉप में छोड़नी पड़ती है। हम लोग इसे 15 मिनट में आपको ये काम करवा के गाड़ी का डिलीवर दे देंगे, आपको दिखा देता हूँ। चलिए फाइनली ये मर्सिडीज हमारे पास आई है जो कि 2-डोर गाड़ी है, और इसका पहले ये रैप हुआ है, ये पहली गाड़ी ग्रे कलर में थी और अभी हम इसे येलो ग्लॉस में ऑलरेडी ये रैप्ड है। तो इसे हम लोग एक्चुअली क्या करने वाली, ओनर के ड्राइवर से एक्चुअली लग गई थी लिफ्ट में, तो उसके कारण ये गाड़ी में बहुत सारे स्क्रैच आए थे, तो वो स्क्रैच हम लोग इसको रिमूव करने वाले हैं। रिमूव यानी ये रैप का जो रैप है वो चेंज करने वाले, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये रैप एक्चुअली कहाँ पे फटा हुआ है। देखिए ये जो है वो ये रैप फटा हुआ है और ये रैप में अभी निकल रहा हूँ, आपको दिखता रहेगा ये रैप में निकल रहा हूँ अभी। ऐसा है कि ये रैप निकल रहा हूँ ना अभी, तो आपको तो दिखता रहेगा ये इतनी महंगी गाड़ी है, इस पर अभी ये स्क्रैच नहीं आया हुआ है, आपको दिखता रहेगा ये स्क्रैच नहीं आया हुआ, एक्चुअली ये गम लगा हुआ है रैप का, बिकॉज ये घस गया है लेकिन ये पेंट बच गया। ऐसा है कि आपकी गाड़ी TPF से भी प्रोटेक्ट करती है और रैप से भी प्रोटेक्ट करती है, और आपके गाड़ी पे डेंट नहीं आया और कलर भी खराब नहीं हुआ, तो उसका फायदा ये है रैपिंग करने का। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम कलर हमने कंपनी से ऑर्डर किया हुआ है और ये रोल भी आ चुका है, तो ये रैप रिमूव करके हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ ये काम करने के लिए, पेंट का काम करने के लिए, रिपेंट का काम करने के लिए आपको मिनिमम 3 दिन गाड़ी या 4 दिन गाड़ी वर्कशॉप में छोड़नी पड़ती है, शोरूम में 5 दिन। हम लोग इसे 15 मिनट में आपको ये काम करवा के गाड़ी का डिलीवर दे देंगे, आपको दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली आपने देखा कि जो मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा था, अभी जो आपको वीडियो दिखाया मैंने, जो कि मर्सिडीज की AMG मॉडल है, 2-डोर कन्वर्टेबल थी गाड़ी है, और ये कुछ दिनों पहले हम लोग ने रैप की थी, कुछ दिनों मतलब 2 साल पहले ये गाड़ी रैप की थी येलो कलर में। उस टाइम पे ये गाड़ी का वीडियो डालने के लिए कस्टमर ने मना किया था, फिर बाद में जब गाड़ी का ये थोड़ा सा छोटा एक्सीडेंट हो गया, आपको दिखाया था वीडियो में, वो इसके कारण वो फिर बाद में कस्टमर ने बोला कि आप वीडियो डाल सकते हो यूट्यूब पे, तो मैंने वो एक छोटा वीडियो लिया रैपिंग का, बिकॉज आपको भी इससे पता चलेगा कि रैपिंग करने से गाड़ी का कलर कितना सेफ रहता है,
मतलब ये तो महंगी गाड़ी है, इसका महंगा कलर आता है, आपको ही पता रहेगा, कॉस्टली रहता है ऐसा पेंट करना। एक पैनल भी आप पेंट करने जाओगे शोरूम में तो आप पकड़ लो इसे 15 से 20 हज़ार रुपये एक पैनल पेंट करने का लेते विद ऑन GST एंड लेबर ऑन एक पैनल का। और वो ज्यादा करके पैनल रिप्लेस ही होता है, पर हमारे यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि उसी पैनल को हम रिपेयर करके बना के फिर हम लोग पेंट करते। ये रैपिंग का काम था जो कि कलर मैचिंग मिल गया मुझे, बिकॉज हम लोग जो रैप करते हैं वो ब्रांडेड कंपनी का रैप होता है तो उसके सारे कोड्स आते हैं, वो कोड्स वाइज हम लोग ने रोल ऑर्डर किया। और आपको बता दूं, मैंने 15 मिनट में ये गाड़ी बम्पर और फेंडर रैप करके मैंने कस्टमर को डिलीवर दी। पे जब पेंटर उस पर पेंट करेगा तो उसके ऊपर 3 कोट मारने पड़ते, आपको भी पता है बेस कोट, कलर और लिकर, उसको सूखने के लिए मिनिमम 3 दिन जाते ही है और उसके बाद पॉलिश होकर गाड़ी देनी पड़ती है। मतलब सोच लो 4 से 5 दिन जाते। ऐसे ही आपको आपकी महंगी गाड़ियों में रैपिंग करना है, सिरामिक PPF करना है, तो आप मुझे बेशक कॉल कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे। मेरा मोबाइल नंबर है 7777073003 और आपको मेरे इंस्टाग्राम ID पता ही है विनर रैप वर्ल्ड, उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरे वीडियोस के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और भी कुछ मार्केट में ऑटो इंडस्ट्री में कुछ आता है तो मैं अपडेट करते रहता हूँ मेरे वीडियो में। नई गाड़ी हो या कुछ पार्ट हो या कुछ एसेसरीज हो जो मॉडिफिकेशन की होती है, मैं सारे वीडियो में दिखाता रहता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।